हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, जो कि हम लोगों ने तीन जगह का ट्रिप किया था। ये फैमिली ट्रिप था और अपने कार से था हम लोग। ये जो तीन जगह था वो एक पहला वाराणसी जो कि यूपी में है, फिर से हम लोगों ने विंध्याचल विज़िट किया था जो कि अगेन यूपी में है, और एक मैहर हम लोगों ने विज़िट किया था जो कि एमपी में है। तो ये है हमारा फर्स्ट डे। हम लोगों का फर्स्ट डे का टारगेट था वाराणसी। हम लोग रांची से स्टार्ट किए हैं वाराणसी के लिए। अराउंड 7 बजे सुबह निकल चुके थे। मैक्रोसीगंज एक जगह है, अगेन दिस इज़ ए टूरिस्ट स्पॉट इन रांची झारखंड। तो वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था वाराणसी के लिए। अपने मैक्रोसीगन से एक बेस्ट रूट जो होता है अपने वाराणसी के लिए, वो आपको बालूमाथ चतरा हंटरगंज होते हुए दो भी निकालता है। तो हम लोगों ने सेम फॉलो किया था। काफ़ी अच्छा रोड है एक्चुअली, पहले काफ़ी ज़्यादा बुरा था, अभी बन चुका है काफ़ी अच्छा, और काफ़ी अच्छे सीनिक व्यूज़ भी हैं रोड में, जैसे कि आप देख सकते हो। अगर आप रांची होकर के आ रहे हो तो आपको हजारीबाग का रूट मिलेगा, वो भी काफ़ी अच्छा है, 4 लाइन रूट है वो, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा सही रूट है आपके लिए। ये है चतरा, काफ़ी यहाँ पे अगर आप पिक टाइम पहुँचोगे तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम रहता है, तो आप बस कोशिश करना कि सही टाइम देख करके आप यहाँ से निकलो, मगर बस 5 से 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा लगेगा अगर ट्रैफिक जाम भी होता है तो। चित्रा के बाद आएगा हंटरगंज, जो कि काफी इंटरेस्टिंग सा नाम है हंटरगंज। ये एक तरह से लास्ट एरिया है झारखंड का, उसके बाद आप बिहार में घुस जाएंगे। तो ये जो आप आगे देख रहे हो ये आपका झारखंड का एग्जिट गेट है, और इसके बाद जस्ट आपको बिहार का एंट्रेंस मिलेगा। इसके बाद आपको डोभी आ जाएगा, और डोभी से आपको जीडी रोड मिल जाएगा, जो कि एक तरह से कोलकाता टू कराची बोला जाता है इस रोड को। तो यहाँ से आपको फिर से 4 लाइन हाईवे मिल जाएगा प्रॉपर। ये ट्रिप हम लोग अराउंड टोटल 10 लोग थे, जिसमें से 4 हम लोग, फिर से 4 हमारे फूफा जी की फैमिली थी, और फिर से 2 बच्चे थे। काफ़ी इंटरेस्टिंग था ट्रिप, और हम लोगों के पास 2 कार था, अपना फोर्ड इकोस्पोर्ट और मारुति की स्विफ्ट। चलते रहता है बहुत बार।
हम लोग वाराणसी अराउंड 6:15 तक पहुंच गए थे, ये सोच करके कि आरती उसके बाद चालू होगा। वहाँ पहुँचने के बाद अपने को पता चला कि जिस तरह से आरती हरदम होता है उस तरह से तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि बारिश के समय पानी काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ जाता है। और जो मेन प्रॉपर आरती होता है, आगे मैं आपको काफ़ी सारे वीडियो में दिखाऊंगा, उस तरह से आपको कभी भी मानसून के वक्त नहीं दिख पाएगा। आरती बस यहाँ पे एक जगह होता है और हर घाट में बस मतलब जिस तरह से नॉर्मल होता है आरती, एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से होता है, उस तरह से आपको मानसून के वक्त नहीं दिखेगा। यह है वाराणसी का मेन मार्केट एरिया, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे कपड़े की दुकान, खाने की दुकान, खाने के तो ऑप्शन ही ऑप्शन होते हैं, तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और यह है आपका मेन मंदिर का एंट्रेंस। ये है मेन मंदिर का एंट्रेंस, तो आपको चप्पल और मोबाइल अलाउड नहीं होगा, तो आप जहाँ से भी प्रसाद लोगे वहाँ पे आप उनके पास लॉकर का ऑप्शन होता है, तो आप वहाँ पे रख सकते हो सारे सामान। और मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, तो जल्दी से आप उसे मिस ना करें। वाराणसी में अगर आप होटल लीजिएगा तो आपको फिर से हो सकता है कि आपके इतने पत्ते पत्ते गलियों में आपको हो सकता है होटल आपको मिले, तो जब भी आप होटल बुक करें तो ज़रूर आप क्रॉस चेक कर लें कि गाड़ी आप कहाँ पार्क कर पाओगे, अगर आप कार से आ रहे हो या नहीं। बाइक से भी आते हो तो आप पहले से थोड़ा आइडिया ले लेना कि उसे आप पार्क कहाँ करो, क्योंकि फिर से आपको गवर्नमेंट पार्किंग में रखना होता है जो कि 1 से 2 किलोमीटर दूर भी हो सकता है आपके होटल से। हाँ मतलब आप सोचिएगा नहीं कि इतना पतला गली कहाँ आपको निकाल लेगा। सब कुछ चिपकू चिपकू सा। जस्ट हमारे होटल के पीछे ही ये पांडे घाट था, काफी खूबसूरत था। और अगर आप मानसून में आओगे तो थोड़ा नज़ारा अलग रहता है, तो आपको जो एक्चुअल खूबसूरती है वो उस वक्त नहीं दिख पाएगी, पानी भी उस वक्त साफ़ नहीं रहेगा। मगर अगर आप मानसून छोड़ कर कभी भी आएंगे तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा जगह।
आप अगर वाराणसी आ रहे हैं तो आपके पास खाने के ऑप्शंस काफ़ी सारे रहेंगे और सारे जो भी आप खाओगे उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा रहेगा। तो जैसे कि पान हो गया, लस्सी हो गया, रबड़ी हो गया, ये सब चीज़ें तो एकदम कंपल्सरी सा चीज़ है। आप यहाँ का टेस्ट एक बार करोगे तो आपको हरदम याद रहेगा। थोड़ी ज्ञान की बातें, अगर आप वाराणसी आ रहे हैं तो कम से कम आप 2 दिन का प्लान करके रहो, और अगर आप आ रहे हो तो होटल आप सही जगह बुक करके रखो। कोशिश करो कि आप होटल थोड़ा मंदिर से दूर रखें, और आपको ऑटो मिल जाएगा मंदिर आने के लिए तो आपको कम से कम होटल में पार्किंग मिल जाएगा, जिसके कारण आपको गाड़ी या सब का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लगेज उठाने का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो ये सब सारे चीज़ें थोड़ा ज़रूरी हैं ध्यान रख करके प्लान करने का। वाराणसी के बाद हम लोग विंध्याचल की ओर निकले, और विंध्याचल अगर आपको नहीं पता हो तो ये मिर्ज़ापुर के बगल में है। मिर्ज़ापुर वही जो एक वेब सीरीज़ आई थी, ये वही मिर्ज़ापुर है।